गाइस वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं मीनू और आज आपके साथ मैं कुछ ब्यूटी हैक्स शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आप अपने जो खुद के पास जो कम सामान अवेलेबल है उसकी हेल्प से आप खुद सारे डीआईवाई करके कुछ अलग ही मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा एंड मैं अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब कर लेना। तो एक एक करके मैं आपके साथ आज 3 से 4 हैक्स शेयर करूंगी, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अगर आपके पास न्यूड लिपस्टिक नहीं है और आपको अच्छी लगती है न्यूड लिपस्टिक लगानी, तो मैं आज आपके साथ एक डीआईवाई हैक शेयर करूंगी जिससे आप न्यूड लिपस्टिक लगा सकते हैं। आपको चाहिए एक कोई भी लिप बाम लेना है, आपको लिप बाम को अच्छी सी क्वांटिटी में अपने लिप्स पे लगा लेना है। मैं यहाँ जॉय का ले रही हूँ इसको लेकर, और यहाँ पर पहले मैंने लिप लाइन कर ली है और इसको अच्छे से लगा लेना है। यहाँ पे मैं ये वाला न्यूड शेड ले रही हूँ, इसको पहले हल्का सा स्क्रच कर लेना है। ये माइग्लिन का आई शेडो पैलेट है, ब्रश ले रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा आई शेड लेकर, अब इस लिप बाम के ऊपर अप्लाई कर। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ये न्यूड शेड आपका रेडी है। इस तरह से आपके पास जो भी जिस भी लिपस्टिक का आपका मन कर रहा है आप वो शेड की लिपस्टिक इस ट्रिक से लगा सकते हैं। सेकंड जो हैक है आपको लेना है कंसीलर, कंसीलर लगा लेना है आपको इस तरह से चीक्स पे, फिर लिक्विड लिपस्टिक लेनी है उसको अप्लाई कर देना है थोड़ा सा कंसीलर के ऊपर। इसके बाद आपको वैसलिन लेनी है और फिर तीनों को एक साथ आपको एक ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर देना है। तो ये एक बहुत ही प्रिटी सा आपका क्रीम ब्लश बन के रेडी हो जाता है और आपके चीक्स पे बहुत अच्छा ग्लो देता है। सेम मैं दूसरे चीक्स पे लगा लेती हूँ और जो प्रोडक्ट रह गया है ब्रश में उसको मैंने नोज और अपने चिन पे लगा लिया है। तो बहुत अच्छा है कि थर्ड हैक की तरफ चलते हैं। इसमें आपको कोई भी कलर आईलाइनर अगर लगाना है, यहाँ मैं ब्लू कलर ले रही हूँ, सॉरी ब्लू स्पार्कल वाला, और इसमें 1 से 2 ड्रॉप आपको कोकोनट ऑयल की मिला लेनी है, फेशियल ऑयल की भी मिला सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। तो फिर इन दोनों को आपस में मिक्स 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 कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आपको लेना है आईलाइनर ब्रश। आईलाइनर ब्रश को की हेल्प से थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको लेते हुए और विंग क्रिएट करते हुए आप आईलाइनर लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसकी हेल्प से आप जो कलर आईलाइनर जिनको बहुत पसंद होते हैं और वो काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं, तो इस ट्रिक की हेल्प से आप इजीली लगा सकते हैं। और देखिए साइन कितनी ब्यूटीफुल सी निकल के आई है। तो मैं मोटा मोटा लगा रही हूँ, आप चाहें तो पतला पतला भी लगा सकते हैं। सेम मैं दूसरी आईज पे लगा लेती हूँ। तो सो गाइस जहाँ सिंदूर लगाते हैं उस जगह मुझे काफ़ी दिनों से कुछ इचिंग खुजली हो रही थी, तो मैंने कुछ न्यू ट्राई करने की कोशिश की। मेरे पास एक ये NYBA का लिप क्रियॉन था, वाइन शेड था इसका, तो मैंने इसे एज ए सिंदूर लगाया और क्या ही बताऊँ, इतना प्यारा लुक दे रहा था, बिल्कुल असली जैसे ड्राई सिंदूर देता है ना उस तरीके से ये लुक दे रहा था। तो आप फेस्टिवल पर पूजा वगैरह में इसे ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही प्रिटी सा लगता है साड़ी के साथ, तो और इससे मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो आप भी लिप क्रियॉन का एज ए सिंदूर यूज कर सकते हैं।